What's up everyone? Welcome back to the channel. तो most probably आप लोगों ने retirement का question देख लिया होगा. अभी हम इस part में करेंगे dissolution का, जो उसके साथ ज़्यादा chances हैं कि choice में आएगा. तो retirement और dissolution में most probably choice होगी, but in case नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे. तो 5 number का कौन सा question जो dissolution से आपसे पूछा जाएगा वो हम करने वाले हैं इस particular part में. चलिए फिर let's begin. चलिए जी शुरू करेंगे हम लोग पूरा बड़ा क्वेश्चन जो हमें करना आएगा. और मैं दोनों ही चीज़ें इसमें फिर से बताऊंगा. रिटायरमेंट में जैसे बताया कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी होंगी आपको इसके अंदर, एंट्रीज भी हम लोग करेंगे इसी के अंदर. और जो हमें अकाउंट्स बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, वो भी हम इसी में बना रहे होंगे. तो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है गिरिजा गणेश्वर पार्टनर्स, उनका रेशो 2:3 है. डिसोल्यूशन में सबसे अच्छी बात है कि दो रेशोज नहीं होती, कोई गेनिंग रेशो नहीं, कोई न्यू रेशो नहीं, सब कुछ इसी रेशो में होना है. ठीक है, अब एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस तरीके से लाइबिलिटीज दी हैं, एसेट्स दिए हैं और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं. आपको क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, हम लोग भी बनाने की कोशिश करेंगे. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट. उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, दो ही पार्टनर्स हैं गिरिजा और गणेश, गिरिजा और गणेश. ठीक है जी, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं गिरिजा गणेश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. तीनों अकाउंट्स आने की कोई भी चांस नहीं है कि आपको तीनों बनाने को आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ज़्यादा से ज़्यादा टू द एक्सट्रीम रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, बैंक अकाउंट आने का कोई स्कोप नहीं है. बट छोटा सा अगर आया तो बहुत छोटा सा, बाकी कोई चांसेस नहीं है. ज़्यादा चांसेस डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्रीज के रहेंगे, तो आप जर्नल एंट्रीज प्लीज़ बहुत ध्यान से करके जाना. अच्छा, अब देखो हमें क्या करना होता है. सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली कर दो. पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो है वो खाली करना है हम लोगों को. क्या क्या दिया है हमारे पास, लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं. सबसे पहले क्रेडिटर है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, गिरिजा के ब्रदर का लोन है, गणेश का लोन है. तो क्रेडिटर, बैंक ओडी, गिरिजा का ब्रदर लोन बाय क्रेडिटर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट बाय गिरिजास ब्रदर्स लोन. उसके बाद जो पार्टनर का लोन होता है वो कभी भी यहाँ ट्रांसफर नहीं होता. पार्टनर के लोन के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसके लिए लोन अकाउंट बनेगा. गणेश लोन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बोर्ड भी थक गया है पढ़ पढ़ के. हमारे पास आजा भाई, साथ दे दे थोड़ी देर और. कल से मैं अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, पक्का प्रॉमिस. क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, गिरिजा का ब्रदर लोन हो गया और गणेश का लोन 28,000 रुपीज़ है. गणेश का जो लोन है वो 28,000 रुपीज़ है. उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, उसके बाद हमारे पास दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 15,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपको एक बात याद रखनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ नॉर्मल रिजर्व. तो याद रखना, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है तो ये फंड भी रियलाइजेशन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ये चीज सेट रहे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 रुपए. क्रेडिटर, बैंक ओडी और भाई का लोन कितने का था. क्रेडिटर है 80, 50, 77.
80, 50, 77, 15,000. उसके बाद कैपिटल्स दिए हैं दोनों के, दोनों के कैपिटल कितने कितने दिए हैं, 1,50,000 और 1,00,000. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 and 1 lakh. ये हमारे पास बैलेंस आ गए. इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद हमारे पास इधर का साइड ख़त्म. देखो आपको पूरा बैलेंस शीट खाली कर देना है, जितनी जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ जाने वाली थी हमने भेज दी, क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, भाई का लोन, इसका अपना लोन, इस तरीके से सारा काम कर दिया. अब एसेट्स पे चलते हैं. कैश, कैश एट बैंक 20,000 रुपये बैंक अकाउंट में जाएगा. 20,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 बैंक का बैलेंस इसमें आ गया. उसके बाद कौन कौन से एसेट्स हैं, वो सब एसेट्स रियलाइजेशन में आएंगे. सारे एसेट्स, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग. डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग. टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू बिल्डिंग. जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का वो इधर आ जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अच्छा, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग कितने कितने के हो गए, 55, 78, 89, 250, और जो प्रोविजन है वो 2,000 रुपये का है. उसके बाद आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस सिंपली ये लॉस है, एसेट साइड में जो दिया होता है वो लॉस होता है. इसको हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000 रुपये पुरानी रेशो में 2:3 में. 10,000 रुपये, 4,000 और 6,000, क्योंकि रेशो 2:3 है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिंपली. ठीक है जी, इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली कर देना है. पूरा बैलेंस शीट मैंने खाली कर दिया, जो चीज़ें इधर जाने वाली थी लाइबिलिटीज वो इधर उतार दी, एसेट्स सारे इधर उतार दिए. इसका बैलेंस आ गया, ये P&L डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका बैलेंस आ गया, लोन का बैलेंस आ गया, ये सब हमने पहले ब्रॉट डाउन कर दिया. अब हमें सिंपली क्या करना है, फर्म बंद हो रही है, जब फर्म बंद हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, अब ये सभी के सभी एसेट्स को बेचेंगे, ये सभी की सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे. कैसे करेंगे वो क्वेश्चन बताएगा. आओ देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमने ये सब कर दिया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सबसे पहले डेटर्स ऑफ 6,000 प्रूव्ड बैड. 6,000 के डेटर में पैसा नहीं दिया, प्रूव्ड बैड का मतलब बैड डेट हो गया. 6,000 के डेटर ने अगर पैसा नहीं दिया तो कितने ने दिया, डेटर थे 55 के, 6,000 ने नहीं दिया तो बाकी मिल गया बस. बाय बैंक 49,000 हमें मिल गया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 6,000 नहीं मिले तो बाकी मिल गए. अब आगे क्या है, गिरिजा एग्रीड टू पे हर ब्रदर लोन. गिरिजा ने बोला मेरे भाई का लोन मैं चुका दूंगी. ओके, तो ब्रदर का लोन कितना था, ये 77,000. ये फर्म पे नहीं कर रही, गिरिजा पे कर रही है, तो यहां पे लिखेंगे टू गिरिजाज कैपिटल अकाउंट. ये पार्टनर ने पे कर दिया तो बस उसके नाम से लिख दो, गिरिजाज कैपिटल 77,000 ये गिरिजा ने पे कर दिया. चलो उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद लिखा है वन ऑफ द क्रेडिटर 10,000. एक क्रेडिटर था 10,000 वाला, ही पेड ओनली 3,000 इन फुल सेटलमेंट. क्रेडिटर 10,000 वाले ने बस 3,000 रुपए दिए. ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या है. 10,000 वाले ने 3,000 दिए, 10,000 वाला क्रेडिटर, 80 में से 10,000 वाले क्रेडिटर को हमने 3,000 रुपए दिए हैं बस. ओके, टू बैंक हमने 3,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में, इसका सेटलमेंट हो गया. अभी 70 के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ये अभी साइलेंट है क्वेश्चन. फिलहाल एक क्रेडिटर जो कि वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर 10,000 वाज पेड ओनली 3,000, ये हो गया हमारा काम. बिल्डिंग वाज ऑक्शनड फॉर 180, जो बिल्डिंग है वो 180 की बिकी और ऑक्शनर ने अपना कमीशन ले लिया 8,000. ऑक्शन करवाया हमने बिल्डिंग का, 180 की बिल्डिंग बिक गई जिसमें से उसने 8,000 रुपये की अपनी कमीशन ले ली, तो मुझे वो 172 देगा बस बिल्डिंग के. 180 की बिकी और 8,000 रुपये उसने कमीशन काट लिए तो मुझे देगा 172.
बिल्डिंग के नाम के 172 बाय बैंक 172,000 बिल्डिंग के मिल गए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, गणेश टुक ओवर अ पार्ट ऑफ स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहां क्या लिखा है जी, ध्यान से पढ़ो। ये बोल रहा है गणेश ने एक पार्ट ऑफ स्टॉक लिया। पहली बात, जितना भी स्टॉक है उसमें से एक पार्ट लिया। वो कितने पे लिया? एट रुपीज 4,000, 4,000 रुपए में लिया। और वो कितने वाला था? 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी उसकी बुक वैल्यू जो भी होगी, वट एवर द बुक वैल्यू इज, उसका 20% कम करके उसने 4,000 पे करे। 20% अगर कम कर दूं, -20%, इसका मतलब -0.20x, x में से 0.20 जाएगा तो 0.80x बचेगा, है ना। 20% कम कर दूं, अगर x का मतलब 1 है, 1 में से 0.20 हटा दूं तो मेरे पास 0.80 बचेगा। ये 0.80 के उसने कितने पैसे दिए? 4,000। तो x का वैल्यू कितना? 4,000 डिवाइड बाय 0.80, इसका मतलब 5,000 रुपये आ जाएंगे। कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे? 5,000। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, 5,000 के स्टॉक का 20% कम करूंगा तभी तो 4,000 रुपये दिए होंगे, हाँ या ना। तो ये क्या लिखा हुआ था, गणेश टुक ओवर अ पार्ट ऑफ स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से ये कम है ऑलरेडी 20%, ठीक है। तो स्टॉक 5 वाले का 4,000 रुपये गणेश ने दिए और स्टॉक ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, स्टॉक कितने का था टोटल? स्टॉक 78 का था। इस 78 में से 5 वाला तो गणेश ले गया, बाकी 73 के बारे में अभी क्वेश्चन जब बताएगा तो बताएगा। बाय गणेश 4,000 में ले गया ये, 5 वाला 4 में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज हैंडेड ओवर टू रिमेनिंग क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। बहुत बढ़िया, जो बचा हुआ स्टॉक है वो क्रेडिटर को दे दिया, बचा हुआ स्टॉक बचे हुए क्रेडिटर को दे दिया फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो बचे हुए क्रेडिटर हैं, जिनको हमने कितना पैसा देना था? 70,000, इन्हें हमने 73 का स्टॉक दे दिया और काम खत्म कर दिया। लाइबिलिटी के बदले में एसेट दे दिया। कभी भी ऐसा लाइबिलिटी के बदले में एसेट चला जाए तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉक के बदले में क्रेडिटर, या कुछ भी क्रेडिटर के बदले में बिल्डिंग, या कुछ भी ऐसा होगा, एसेट के बदले में लाइबिलिटी, तो नो एंट्री विल बी पास। बस सेटल हो गया ये 70 का, हमने ये भी खत्म और ये भी खत्म, हमने क्रेडिटर के बदले में स्टॉक दे दिया, बस बात खत्म, ये सेटलमेंट हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में मिला 9,000 रुपये कम। 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से कम मिले, ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 89 की थी। 9,000 कम मिले तो बाय बैंक 80,000 मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 17,000 रुपए के हैं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 17,000 के हैं, बट वर पेड बाय गणेश। किसने पे करे हैं? गणेश ने पे करे हैं। अच्छा, अब ये खर्चा कुछ नहीं लिखा कि किसका है। अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा फर्म का होता है, फर्म का खर्चा, और पार्टनर ने पे कर दिया तो हम पार्टनर से काटेंगे ये पैसा, पार्टनर को हम कंपनसेट करेंगे इसके लिए। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 17 के थे जो गणेश ने पे करे। ओके, तो हम इसे गणेश के नाम से दिखाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। टू गणेश 17,000 रुपए। अगर कुछ ना लिखा होता तो हम टू बैंक लिख रहे होते एक्सपेंसेस के बारे में, यहाँ पे टू बैंक डाल देते, बस बस हो गया काम खत्म, सारा का सारा काम हो गया, सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब मुझे देखना है कि कौन कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो अभी पे नहीं हुई, वो आप पे करोगे। जैसे सबसे पहले क्या पे नहीं हुआ, ये गणेश का लोन, इसको पे कर दो टू बैंक 28,000 रुपए में। एक तो ये लोन पे कर दो, बस बात खत्म, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे कर दो। क्रेडिटर हो चुका है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि पे हुआ या नहीं हुआ। भाई बैंक का पैसा देना पड़ेगा, फर्म बंद होगी, आप घर तोड़ना ले जाओगे, पैसा देना पड़ेगा, तो आप खुद ही पे कर दो टू बैंक। एक तो ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए का, ये
गिरिजा के भाई का लोन हो चुका है, बस बाकी प्रोविजन का पैसा किसी को देना नहीं होता है, तो हमारा खुद ही का प्रोविजन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हमारा खुद का है, इसका कुछ नहीं करना, खत्म। बस ये रह गया था बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पे कर दिया। अब कोई एसेट अगर नहीं बिका तो उसका वैल्यू जीरो है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। ओके जी, ये भी डन हो गया। बस अब क्या करूं, अब मैं यहां से निकालूंगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बस प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे अब हम लोग। तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, हमें देखना है बस सिंपली कि आपके पास किधर वैल्यू ज़्यादा आ रही है। देखते हैं हमारे पास किधर वैल्यू ज़्यादा आ रही है। 80,000, 50,000, 77,000, 15,000, 2,000, 49,000, 1,72,000, 4,000, 80,000। तो इधर का टोटल तो आ रहा है 529। ये तो आ रहा है 529, ये वाला टोटल कर लें अगर हम 55,000, 78,000, 89,000, 2,50,000, 77,000, 3,000, 17,000, 50,000, ये आ गया 6,19,000। इसका मतलब ये ज़्यादा है, इधर वाला पार्ट ज़्यादा है, इधर वाला पार्ट ज़्यादा है, इट मीन्स लॉस आ रहा है यहाँ पे। तो इस बार लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे, गिरिजा और गणेश। लॉस कितना आएगा, 6,19,000 माइनस 5,29,000, 90,000 रुपीज़ का लॉस आ गया। ये 90,000 रुपीज़ का लॉस आ गया क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम वाला माइनस करना है हमेशा। ये साइड मैंने लिख लिया ज़्यादा था, 6,19,000, 90,000 का लॉस आ गया। ये अपने रेशो में 2:3 में बांट लेंगे, 90,000 इंटू 2/5 36,000, और 90,000 इंटू 3/5 54,000। ये हो गया हमारा कार्यक्रम समाप्त। अब देखो लास्ट स्टेप क्या होता है। अब आपको इन सब की, ये जो हमने पेमेंट्स रिसीव करी हैं या जो पेमेंट्स करी हैं, इनकी पोस्टिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। कैसे पोस्टिंग करते हैं, बहुत ही आसान काम है ये। क्या करना है आपको, बस जहाँ जहाँ पे आपने बैंक लिखा है वो बैंक अकाउंट में भेज दो, जहाँ जहाँ पे आपने पार्टनर का नाम लिखा है वो पार्टनर में भेज दो। देखो जैसे यहाँ पे लॉस हुआ, ये लॉस में मैंने गिरिजा और गणेश लिखा, तो गिरिजा और गणेश में भेज दो सीधा। टू रियलाइजेशन 36,000, 54,000, डन। उसके बाद मैंने ये बैंक लिखा, ये बैंक लिखा, ये बैंक लिखा, तीनों में बैंक का नाम लिखा, तो टोटल करो 49,000 प्लस 172,000 प्लस 80,000, बैंक में 3,01,000 रुपये आ गए। टू रियलाइजेशन 3,01,000। उसके बाद ये गणेश का नाम लिखा तो इसको गणेश में डाल दो, टू रियलाइजेशन गणेश में 4,000 रुपये। इसका कुछ नहीं करना था, ये बैलेंसेस थे, आपने ये एडजस्टमेंट्स करी, सारे डाल दिए। उसके बाद अब इधर देखता हूँ मैं, ये गिरिजा का नाम लिखा हुआ है तो इसको गिरिजा में भेज दो, बाय रियलाइजेशन 77,000। उसके बाद ये बैंक लिखा है, ये भी बैंक लिखा है, तो 53,000 ये बैंक में, बाय रियलाइजेशन 53। और ये आपने लिखा है टू गणेश, ये गणेश का नाम लिखा है तो ये गणेश में डाल दो, बाय रियलाइजेशन 17,000, ये गणेश में डाल दिया हमने। बस ये सब पोस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये टू बैंक लिखा है तो ये बैंक में आ जाएगा, बाय गणेश का लोन 28,000, ये भी काम हो गया। बस अब आपको क्या करना है, सिंपली सब ट्रांसफ़र कर दिया हमने, अब ट्रांसफ़र करने के बाद बस बैलेंस निकालना है, कितना कितना बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स का। यहाँ पे बैलेंस को बैलेंस नहीं लिखते हैं, बैलेंस को हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फर्म बंद हो गया है तो बैलेंस किस बात का बचना है, बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो 150 प्लस 77,000 माइनस 4,000 माइनस 36,000
ये आ गया 187,000, ठीक है जी, इधर डाल दो हाथों हाथ, बाय गिरिजा 187,000, और गणेश का अगर करना हो तो 1,00,000 प्लस 17,000 माइनस 6,000 माइनस 54,000 माइनस 4,000 53,000 बाय गणेश 53,000। बस अब आपको ये बैंक अकाउंट मैच करना है, क्या ये मैच कर रहा है? ये आ गया हमारे पास 3,01,000, 3,01,000 प्लस 20,000 321,000, और इधर क्या क्या आ रहा है, 53,000, 28,000, 187,000 और 53,000, 3,21,000। ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हो जाता है मैच। ये मैच हो गया, इट मीन्स सब कुछ आपने बिल्कुल परफेक्शन के साथ किया है। सिंपली स्टेप्स क्या है, दोबारा से देखो मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने एक काम करा, मैंने सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करी, बैलेंस शीट खाली करी, ये बैलेंसेस इधर आ गए, इधर वाले इधर आ गए, जो कैपिटल में जाने थे कैपिटल में चले गए, बटने वाला अगर कुछ था जैसे पीएनएल वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि आप इन इन एसेट्स को, ये वाले एसेट्स को आप बेचो, जैसे जैसे इसने बेचने को बोला वैसे वैसे मैंने यहाँ पे बेच दिए, जहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा था बैंक लिख दिया, किसी पार्टनर का नाम आया तो उसका नाम लिख दिया। फिर क्वेश्चन ने बोला इस इन लाइबिलिटीज़ को कैसे पे करो, जैसे जैसे पे करने को बोला मैं वो करता गया, जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ बैंक, किसी पार्टनर का था तो पार्टनर का नाम लिख दिया बस। उसके बाद जो जो पर्टिकुलर चीज़ का नाम आया उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ बैंक का नाम आया इधर क्रेडिट तो बैंक में डेबिट, यहाँ बैंक का नाम आया इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, किसी पार्टनर का नाम आया तो पार्टनर कैपिटल में चला गया बस। यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकाला, प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर कर दिया, खत्म। इसी तरीके से क्वेश्चन होता है। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री आ जाए तो कितनी जर्नल एंट्रीज बनेंगी, देखो बहुत ही साधारण सा काम है जर्नल एंट्रीज करना, बच्चे घबराते हैं लेकिन अगर आप ध्यान से समझ के करो तो मुश्किल नहीं है। देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया था, हमने सबसे पहला काम लाइबिलिटी साइड से शुरू किया था, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना स्टार्ट किया था। लाइबिलिटी में सबसे ऊपर मुझे जो लाइबिलिटी दिखी थी वो सीधा सीधा हमें ये सब दिखाई दिए थे, ये क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, गिरिजा ब्रदर लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और प्रोविजन। ये 5 लाइबिलिटी है जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आई, तो इनका नाम लिख दो, क्रेडिटर डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, गिरिजा के ब्रदर का लोन डेबिट, गिरिजा ब्रदर लोन डेबिट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, जो भी इनके अमाउंट है वो भर के यहाँ ऐड कर देना। पहली एंट्री डन, क्योंकि ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आई। उसके बाद जो डेबिट में आई, इन डेबिट वाली की एंट्री कर दो, इसमें रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो यहां पे आपने करा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट्स टू बिल्डिंग। इस तरीके से अगर आपको रियलाइजेशन बनाने का मन नहीं है तो बड़ा आसान है, सभी एसेट्स रियलाइजेशन के कौन से साइड में आएंगे, डेबिट साइड में। एसेट्स का नेचर ही डेबिट होता है, एसेट का नेचर ही डेबिट होता है। आप आज तक आप जिंदगी में एसेट्स को डेबिट करते आए हो तो रियलाइजेशन डेबिट, ये सब एसेट्स लिख दिए। लाइबिलिटी सब क्रेडिट में आएंगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, ये सब लाइबिलिटी लिख दी, खत्म होगा कार्यक्रम। इसके बाद आपके जब एसेट्स बिकते हैं, भाई देखो आप सिंपली क्या करते हो, जब एसेट बिकता है तो आप अभी तक क्या करते थे, मैंने कोई बिल्डिंग बेची, बैंक टू बिल्डिंग, कैश टू बिल्डिंग, फर्नीचर बेचा कैश टू फर्नीचर, उसके अलावा मैंने कुछ और पैसा मुझे मिला तो कैश टू पर्टिकुलर एसेट। अभी वो एसेट आपके पास रहे ही नहीं, वो सब एसेट रियलाइजेशन में आ चुके हैं। तो बिल्डिंग बेची, बैंक टू रियलाइजेशन, कोई स्टॉक बेचा, बैंक टू स्टॉक, कोई फर्नीचर बेचा, बैंक टू फर्नीचर। तो सिंपली आपको एसेट का नाम नहीं लिखना, सीधा रियलाइजेशन लिखना है, ठीक है। तो तीसरी एंट्री क्या होगी हमारे पास, ये जो बैंक लिखा मैंने, बैंक बैंक बैंक, तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सीधा सीधा ये जो मेरे एसेट्स बिके। आपने कोई लाइबिलिटी पे करी तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे आपने ये 49,172 और 80, यहाँ आप नरेशन में मेंशन कर देना कि ये कौन कौन से एसेट्स हैं, और अमाउंट जोड़ के यहाँ पे टोटल लिख देना कि बीइंग, लेट सपोज ये 49 इसका है डेटर का और ये स्टॉक का और इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे लिख देना बीइंग डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट सोल्ड,
बस नरेशन में लिख देना इस तरीके से, और यहाँ से आपने लाइबिलिटी पे करी, तो रिलेशन डेबिट टू बैंक। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने, जैसे ये पार्टनर ने एक्सपेंस पे करे थे, पार्टनर ने अगर एक्सपेंस पे करे तो हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भाई फर्म कर रही है तो रिलेशन टू बैंक, पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर का नाम लिख दो। मैं बोलूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गणेश, ये वाला 17,000 ये गिरिजा ने पे करा था, तो रियलाइजेशन डेबिट टू गिरिजा। इस तरीके से रियलाइजेशन डेबिट टू गिरिजा, ये हो गया। उसके बाद आपने ये गणेश का लोन पे करा था, तो लोन के डेबिट में आपने टू बैंक लिखा, तो एंट्री बनेगी गणेश का लोन डेबिट, गणेश का लोन डेबिट टू बैंक, ये लोन चुकाने की एंट्री हो गई। इसके बाद सर कैपिटल अकाउंट में किस चीज़ की एंट्री, कैपिटल अकाउंट में बस एक P&L डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएगी, क्योंकि और तो हमने कुछ बांटा नहीं है, बाकी सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रियलाइजेशन 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 रियलाइजेशन, ये सब एंट्री आप कर चुके हो ऑलरेडी पार्टनर के नाम से, ठीक है। बस सिंपली एक तो ये P&L बांटा, तो गिरिजा डेबिट गणेश डेबिट टू P&L 4,000, 6,000, 10,000, और आपने ये लास्ट में इनका पेमेंट करा, गिरिजा डेबिट गणेश डेबिट टू बैंक, गिरिजा डेबिट गणेश डेबिट टू बैंक 187.53, और जो भी टोटल होगा यहाँ लिख देना। बैंक अकाउंट से कोई एंट्री नहीं होती, कभी कोई एंट्री नहीं होती, और इसमें भी बस एक लास्ट फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होती है, और एक अगर कोई रिजर्व वगैरह बांटा है, तो बाकी सारी एंट्रियां कहाँ से होती हैं, सारी की सारी एंट्रियां सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट से होती हैं। अब अगर आप डायरेक्टली कर पाओ तो मैं तुम्हें पैटर्न बता रहा हूँ। सबसे पहले एसेट्स ब्रॉट डाउन कर लो, एसेट्स ब्रॉट डाउन कहाँ पे होंगे, रिलेशन के डेबिट में, तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, काम खत्म। लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन कर लो, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, काम खत्म। फिर अगर कोई एसेट बिका, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया, पार्टनर टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी का पेमेंट आपने करा तो रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर ने करा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई रिजर्व वगैरह बांटा तो सेम एंट्री जो आप रिटायरमेंट में करते हो, रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी। लॉस बांटा तो ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू लॉस या P&L जो भी है वो, सिंपल एंट्रीज। बस लास्ट में जो बैलेंस निकलता है वहां पे आपको पेमेंट करना है, गिरिजा डेबिट गणेश डेबिट या पार्टनर डेबिट टू बैंक, सीधा सीधा सा इस तरीके से डिसोल्यूशन की एंट्रीज होती हैं। एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो इतना मुश्किल नहीं है, इसमें घबराओ मत, डरो मत, एंट्रीज से डरने की जरूरत नहीं है। नेचर को पकड़ लो, नेचर को पकड़ लो। एसेट ट्रांसफर अगर करना है तो रियलाइजेशन के डेबिट में होगा, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, दो एंट्री हो गई सारी की सारी, नंबर मिलेंगे इन पे। उसके बाद एसेट बिका, बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर ले गया, पार्टनर टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पे करी, रिलेशन टू बैंक, पार्टनर ने करी, रिलेशन टू पार्टनर। एक्सपेंसेस आए, एक्सपेंसेस का मैंने आपको पूरा कराया हुआ है, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, वो चार केसेस हैं, वो आपको चेक करने हैं। प्रॉफिट हुआ, हमेशा प्रॉफिट डेबिट में ही आ रहा है यार, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया, रियलाइजेशन के डेबिट में आया, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिजर्व वगैरह की एंट्री सेम वही जो रिटायरमेंट में करते हो, ये एंट्री का नेचर पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। दिस इज हाउ डिसोल्यूशन इज टू बी डन। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में चीज़ें आई होंगी, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, वो मैं आपको अलग से करवा देता हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर।